जय श्री श्याम दोस्तों। दोस्तों ताज़ा खबरों से भरी हुई एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। भाई आज खबरें ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लेके आया हूँ इस महीने की। कौन सी तारीख को कौन सी एक नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है, इस महीने में सारी जानकारी दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले जो खबर निकल के आती है भाई, वो निकल के आती है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा की जो बुलेरो गाड़ी है ना, बुलेरो और बुलेरो नियो, भाई इन्होंने इस महीने बम्पर ओपनिंग वाली बुकिंग की है। और बुकिंग का रिकॉर्ड बताऊं तो इसने 8000 बुकिंग्स मई के महीने में कलेक्ट की है महिंद्रा की बुलेरो और बुलेरो नियो ने। दोनों गाड़ियों की 8000 यूनिट्स की बुकिंग हुई है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा रुझान इन गाड़ियों की तरफ से है हमेशा से ही। और अगली जो खबर है भाई, वो मारुति सुजुकी की तरफ से है। मारुति ने मई के महीने में 1,76,000 पैसेंजर व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर किया है। भाई इससे पता चलता है कि मारुति की जो गाड़ियाँ जितनी स्पीड से बिकती है ना, उतनी स्पीड से मारुति अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है। और अगर एक एवरेज की बात करूँ तो 9.8% की ग्रोथ देखी गई है मैन्युफैक्चरिंग में। और साथ ही साथ भाई इसके प्राइजेज भी, अब जिमनी के जो प्राइजेज है वो भी आने वाले हैं और जिमनी लॉन्च भी होने वाली है। तो भाई इस वजह से भी मारुति की प्रोडक्शन और भी बढ़ गई है। अगली जो है भाई खबर टाटा की तरफ से है। टाटा ने अपनी मई के महीने में 45,984 यूनिट्स गाड़ियां बेची हैं भाई, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है टाटा का। अगर गाड़ियों को बेचने के बारे में बात करें तो भी मारुति के बाद कहीं ना कहीं ह्यूंडई और टाटा के बीच में ही टक्कर बनी रहती है। तो भाई टाटा ने 45,984 यूनिट्स गाड़ी मई के महीने में बेच दी हैं। अब भाई बात करते हैं कुछ ऐसी तारीखों की जून के महीने में जिन डेट्स को नई गाड़ियां लॉन्च होंगी। तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है भाई, आज के दिन का ही 6 तारीख का ही नाम आता है। आज के दिन होंडा अपनी एलिवेट को लॉन्च करने वाला है। वर्ल्ड वाइड इसका डेब्यू होने वाला है आज के दिन ही। तो भाई देखना होगा, ये जो गाड़ी है 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। अगली जो है भाई वो है मारुति सुजुकी जिमनी 5 डोर के बारे में। 7 तारीख को यानी कि कल मारुति अपनी जिमनी को लॉन्च करेगा। तो ये भी जो गाड़ी है भाई 1.5 लीटर के 15B पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गेयरबॉक्स इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगली जो खबर है भाई वो वोल्वो की तरफ से है। वोल्वो C40 रिचार्ज 14 जून को अनवील करेगा वोल्वो। तो 14 जून का इंतज़ार है भाई C40 रिचार्ज क्या कुछ लेके आती है। बाकी इसके अंदर मैं बताऊं तो आपको 78 किलोवाट आवर की बैटरी का पैक हमें देखने को मिल सकता है। अगली जो खबर है भाई वो मर्सिडीज़ की तरफ से है। मर्सिडीज़ बेंज की SL55 रोडस्टर 22 जून को रिवील करेगा मर्सिडीज़। इसके अंदर भाई आपको 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो 476 BHP की पावर और 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगा आपको। तो भाई काफ़ी फास्ट गाड़ी है ये। अगली जो खबर है भाई वो फोक्सवैगन की तरफ से है। फोक्सवैगन की टाइगुन और वर्टस का स्पेशल एडिशन आने वाला है, ठीक है। डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इन दोनों गाड़ियों का स्पेशल एडिशन भी फोक्सवैगन लेके आएगा। तो भाई ये थी एक छोटी सी वीडियो आज के बारे में। खबरें तो ज़्यादा नहीं थी यार आज, लेकिन कुछ नई डेट्स का हमें पता चल गया क्या किस महीने में कौन सी डेट को क्या कुछ होने वाला है। और भाई काफ़ी बढ़िया जानकारी थी आज की। तो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।